मित्रों, ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त करने के बाद ये जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का जनादेश है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मेरे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जो दिया है उसकी कल्पना किसी को नहीं थी। जहां 300 वोट से पहले जीते थे वहां 30,000 से जीते और 63,000 से भी प्रत्याशी जीत गए। हम संकल्पबद्ध है बिना समय गवाए, एक दिन भी नागा किए बिना तत्काल जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में जुट जाएं। हमने कोरोना काल में ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बनाया था। प्रधानमंत्री जी हमारी प्रेरणा है, हमारे प्रकाश स्तंभ है, हमारे मार्गदर्शक हैं। आत्मनिर्भर भारत उन्होंने उस समय एक मंत्र दिया था, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की जो हमारे संकल्पना है जिसको हम नीचे जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं, उसमें अधोसंरचना का विकास है। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, अलग अलग उनकी ठीक व्यवस्थाएं कैसे हो सकती है, खेती, गरीब का कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन और अर्थव्यवस्था और रोजगार, ये इसके मुख्य फोकस है। और आज अध्यक्ष जी के साथ हमने इसको लोकार्पित किया है, जनता के समक्ष रखा है, इस संकल्प के साथ कि हमारा ये रोड मैप है मध्य प्रदेश की प्रगति का, विकास का और जन कल्याण का। इसको पूरा करने के लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। एक दिक्कत है, कोरोना काल में अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन अभी भी हमने हिम्मत से काम लेके धन की व्यवस्था की है। आगे हम आउट ऑफ बजट भी कैसे धन की व्यवस्था हो सकती है इसके प्रयास भी करेंगे, निजी क्षेत्र को भी इसमें जोड़ेंगे ताकि हम आर्थिक व्यवस्थाएं कर सकें और अर्थ की कमी को प्रगति और विकास और जन कल्याण में आड़े ना आने दें। एक और हमारा सुविचारित सोच है कि हम आर्थिक संसाधनों का बंटवारा ऐसा करेंगे कि जिसमें गरीबों को संपूर्ण न्याय मिले और उनका आर्थिक स्तर ऊपर उठे। रोजगार और अर्थव्यवस्था इसका मुख्य फोकस है। अभी कोई योजना नहीं। अरे कभी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश आगे बढ़ो, कोई ढंग का काम करो, हमें और क्या लेना देना बाकी। अभी कोई योजना नहीं, धन्यवाद। अरे जुटाएंगे, जहाँ चाह होती वहां राह निकलती है। एक एक चीज हमने और तय की है जिसका मैं बात करूं कि नीचे तक इन चीजों के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग के लिए भी और जनता को जोड़ने के लिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहता है, हम ये दंभ नहीं भरते कि हम अकेले कर लेंगे। अकेले मुख्यमंत्री नहीं, मंत्रिमंडल, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, लेकिन उनके साथ साथ संगठन और जनता, संगठन और जनता इसको मिलके करें। इसलिए हम ग्राम पंचायत स्तर पर भी हम समितियां बनाएंगे जो क्रियान्वयन में योगदान भी करेगी और इसकी मॉनिटरिंग भी करेगी। समय सीमा हमने बनाने की कोशिश की है, लेकिन चूंकि अर्थव्यवस्था जिस हालत में है उसमें से उबार के लाने में कुछ आगे पीछे हो सकता है। धन्यवाद।